नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, भगवान आपके साथ हैं या नहीं? दोस्तों, आप सभी को यह तो पता है ही कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है, लेकिन दोस्तों हम सभी कुछ प्रयास करके हम ईश्वर को अपने साथ होने का एहसास कर सकते हैं। भगवान आपके साथ हैं या नहीं? दोस्तों, कैसे हमारी आत्मा और भगवान का संबंध है? यह अनुभव और आध्यात्मिक जागरूकता हमें भगवान के साथ होने का एक सानिध्यिक एहसास प्रदान करती हैं। दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इन सभी संकेतों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कैसे हमारा आत्मा और भगवान का संबंध है। प्रेम और दया की भावना। जब हम अपने चारों ओर की सृष्टि में प्रेम और दया देखते हैं, तो हमें यहाँ भगवान का संगीत महसूस होता है। दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना हमें ईश्वर के करीब ले आती है। आत्मसमर्पण। भगवान के साथ होने का एक स्थायी संकेत यह है कि हम अपने कार्यों और जीवन को भगवान को समर्पित करते हैं। जब हम आत्मसमर्पण से कार्य करते हैं तो हम अपने आत्मा को भगवान से जोड़ते हैं। आत्मा की शांति। जब हम आत्मा की शांति का अनुभव करते हैं तो हम जान सकते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। ध्यान और मेधा बढ़ाने के माध्यम से हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और भगवान की कृपा का एहसास कर सकते हैं। उपकारी बनना। भगवान के साथ होने का एक और संकेत यह है कि हम अपने जीवन में दूसरों की सहायता करने के लिए उपकारी बनते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम भगवान के करीब होते हैं। आत्मसाक्षात्कार। जब हम अपने आत्मा को जानते हैं और अपने असली स्वरूप को समझते हैं तो हम भगवान के साथ एकता महसूस कर सकते हैं। आत्मसाक्षात्कार हमें भगवान की प्रतिष्ठा में ले जाता है। विशेष संयोग। कभी कभी हम अपने जीवन में विशेष संयोग देखते हैं जो हमें भगवान की मौजूदगी का एहसास कराते हैं। यह संयोग हमें यह सिखाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और भगवान हमारे साथ हैं। ध्यान और पूजा। ध्यान और पूजा के माध्यम से हम भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध बना सकते हैं। ये अभ्यास हमें भगवान की ओर दिलचस्पी और भक्ति में बढ़ने में मदद करते हैं। आत्मिक उन्नति। जब हम आत्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ते हैं तो हम भगवान के साथ होने का अनुभव कर सकते हैं। आत्मिक उन्नति के माध्यम से हम अपने जीवन को भगवान की दिशा में मोड़ सकते हैं। सत्य और न्याय का पालन। जब हम अपने जीवन में सत्य और न्याय का पालन करते हैं तो हम भगवान की मौजूदगी का संज्ञान कर सकते हैं। इन मूल्यों के पालन से हम अपने आत्मा को शुद्ध रखते हैं और भगवान के साथ संबंध में वृद्धि होती है। भक्ति और सेवा। भगवान के साथ संबंध बनाए रखने के लिए भक्ति और सेवा महत्वपूर्ण हैं। जब हम भगवान के लिए सेवा करते हैं और उन्हें भक्ति भाव से चाहते हैं तो हम उनके साथ होते हैं। कठिनाइयों का सामना। भगवान हमें अभ्यास के माध्यम से सिखाते हैं कि कैसे हम कठिनाइयों का सामना करें और उनसे सीख लें। जब हम इन कठिनाइयों को पार करते हैं,
तो हम अपने आत्मा को समृद्धि महसूस करते हैं और यह हमें भगवान के साथ और करीब ले जाता है। सत्संग और साधु संग के माध्यम से हम अपने आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और भगवान की शिक्षा से प्रभावित हो सकते हैं। इन संगतियों से हम अपने आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। स्वानुभूति और स्वयं संवाद भगवान के साथ संबंध बनाए रखने के लिए स्वानुभूति और स्वयं संवाद महत्वपूर्ण हैं। यह हमें अपने मन की गहराइयों में जाने का अवसर देता है और भगवान के साथ सच्ची बातचीत का अनुभव करने की स्वीकृति देता है। कृतज्ञता और कृतार्थता हम भगवान के साथ हैं या नहीं, यह जानने का एक और तरीका है कि हम कृतज्ञता और कृतार्थता की भावना रखते हैं या नहीं। जब हम अपने जीवन में कृतज्ञ रहते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं, तो हम भगवान के साथ हैं। आत्मनिरीक्षण और स्वयं सुधार आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन कर सकते हैं और स्वयं सुधार कर सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा की सफाई करते हैं तो हम भगवान के साथ संबंध में मजबूत हो सकते हैं। इन चीजों के माध्यम से हम भगवान के साथ होने की अनुभूति कर सकते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह सभी संकेत हमें यह याद दिलाते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं और हमें उनके प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को बढ़ाने का मौका प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों कमेंट में अपने जय श्री राम जरूर लिखें।